हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं उठने में बहुत लेट हो गई, यानी जो मेरे शेड्यूल से मैं आज 6:40 पे कुछ उठी। मैंने सोचा था 6:30 बजे उठ जाऊँगी, 6:40 पे उठी तो मैं थोड़ा लेट हो गई आज। और अभी 7 बजे और अभी मैं योगा करने बैठी हूँ। और आज मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई। सुबह सुबह मैं सपना भी बहुत अच्छा देख रही थी। तो कल रात को वो सांप, मेरा लास्ट व्लॉग जो आपने देखा होगा उसमें मेरे घर में छोटा सा सांप निकला था, तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा सांप निकला है ऐसा। और बहुत बड़ा सांप निकला है तो फिर यानी मैं डर नहीं रही, क्योंकि मुझे हर चीज़ से इतना डर लगता है ना। और मेरे हस्बैंड और हम दोनों इसी बात पे हमेशा लड़ाते रहते हैं कि तुम डरती क्यों, तुम डरती क्यों। अरे मुझे लगती है डर, पर मैं डर ही नहीं रही थी फिर सपने में। सच में इतने सारे सांप है और मैं डर ही नहीं रही। मुझे उस टाइम पे मुझ पर प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो अभी करती हूँ मैं योगा। अभी चिकू गए थे फ्रूट्स लेने और लेके आ गए हैं, और हम यहाँ पर करेंगे वॉश। गर्म पानी में अभी लाती हूँ ना। चिकू लाए हैं फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज और पाइनएप्पल और कीवी, और एक मैंगो भी लाए हैं। अभी हम इसको करेंगे, एक बार तो नॉर्मल पानी में वॉश करूँगी और फिर हम इसको करेंगे गर्म पानी में वॉश, और देन हम अंदर ले जाएंगे। इसमें डाल रहे हैं अभी गर्म पानी और इसमें डालेंगे नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी से धो के हम गर्म पानी में डालेंगे इन फ्रूट्स को। डांस कर दो। हमारा पानी जा रहा है फेंकने के लिए, और ये गर्म पानी में हमारे फ्रूट्स हो गए हैं रेडी। ये मेरे फ्रूट्स कम्प्लीटली मैंने साफ कर ली। अब ले चलते हैं इसको अंदर और अब बनाएंगे हम एप्पल शेक। चलिए, अभी हो गई हूँ मैं नहा के कम्प्लीट रेडी और अब बन रहा है हमारा शेक, तो आपको बताती हूँ मैं। शेक हमारा हो गया है रेडी। अभी बन चुका है मेरा खाना और मैं अभी खाना खाने बैठी हूँ। आज खाने में क्या क्या बना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दाल, चावल, रोटी और साथ में दही, जो कि झोंक लगाया हुआ है, और वो लगाया है मेरे हस्बैंड ने, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। भी हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल फ्री और रूम में आ गई हूँ। मेरा व्लॉग एडिट हो गया है, तो चलिए देखते हैं कैसे एडिट हुआ है। माना नहीं चाहिए ना, इसलिए तो इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ही अच्छा बना है, यानी पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर नहीं देखा हो तो जल्दी से जाकर देखें, मेरे इस व्लॉग से पहले आ चुका है ये वाला व्लॉग। तो अभी हम देखेंगे लूसीफर, क्योंकि कुछ पार्ट्स देखने रह गए हैं। इसलिए मैं गई तो थी लूसीफर देखने के लिए, पर मैं ज़्यादा नहीं पर 10 मिनट भी टीवी नहीं देख पाई, और मुझे क्या पता इतनी नींद आई। मैं बहुत ज़बरदस्त का सोई, लगभग 2 घंटे तो कंटिन्यूसली सोई, ढाई घंटे कंटिन्यूसली सोई। क्या पता कल की थकान थी मुझे, यानी पूरी बॉडी में पेन 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 जैसा लग रहा था। और क्या सोई हूँ मैं, और क्या मेरी बॉडी मस्त फ्री हुई है। तुमको कैसा लगा? मस्त, मज़ा आ गया। तुम भी सो गए? तो अभी कुछ मुझे भूख लग रही है, तो क्या खाएं? तो क्या, हाँ जूस बनाओ ना। किसका बनाओ? पाइनएप्पल का बनाओ। चले पाइनएप्पल का जूस बनाए, मैं हेल्प करूँ, साथ में बनाते टेस्टी बनेगा, ठीक है? ये हमारे पाइनएप्पल कट चुके हैं और वहाँ से निकल रहा है जूसर का सेटअप।
अभी यहाँ पर हमारे जूस के अंदर हम ऑरेंज भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑरेंज का प्लान अचानक से बना, इसलिए यहाँ पर चिकू ने बोला सारा काम मैं ही करूँगा, इसलिए वो ऑरेंज को अच्छे से पील कर रहे हैं, यानी मुझे जूस का कुछ भी काम नहीं दे रहे हैं। हमारी हो रही है जूस सर्विस। दो ग्लास गए मम्मी पापा के पास और दो ग्लास आएंगे हमारे रूम में। ये रहा हमारा जूस, थैंक यू, मस्त बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक पाइनएप्पल में दो ऑरेंज काफी। हाँ मुझे तो बहुत टेस्ट लग रहा है। अभी बज गई है 6:30 और खाना खाने का टाइम हो गया है, एक्चुअली मेरे बनाने का टाइम हो गया है। 7 बजे से पहले पहले खा लेते हैं इसलिए, और चिकू बोल रहे हैं मुझे कुछ भी हेवी खाने का मूड नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ओट्स बनाते हैं। अच्छा खाना तो यही है हल्का फुल्का। तो अभी थोड़ा सा कर देती हूँ किचन क्लीन, क्योंकि जो अभी जूस बना था उससे थोड़ा बिखेरा हो चुका है। सिर्फ ओट्स बनने के लिए रख देती हूँ। सॉरी, ये हमारे मिल्क कोट सेक चुके हैं और इसके अंदर जा रहा है मिल्क। ये अच्छे से यानी बॉईल हो जाए, फिर हम इसके अंदर आमंड्स वगैरह डाल देंगे, यानी एक जैसे हो जाएंगे। कोट्स रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे बादाम भी कट होके गार्निशिंग के लिए तैयार है। मैं इसको सर्व करूंगी। अब मिलती हूँ आपसे खाना खाकर। अभी हो चुकी हूँ मैं कम्प्लीटली फ्री और अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट रूटीन। मैं रात को यानी एक तो दो चीज़ें मेरी एकदम फिक्स हैं। पहले मैं नाइट क्रीम यूज़ नहीं करती थी, ओनली फॉर फेस वॉश करती थी और ब्रश करती थी, और रात को मैं सोने से पहले कुछ लगाती नहीं थी, ओनली फॉर फेस वॉश करके सो जाती थी। फिर मैंने सोचा कि मिशेल मैं पूरा यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसकी नाइट क्रीम भी यूज़ करनी चाहिए, हो सकता है मुझे उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं आपको सच बताऊँ, मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बता रही हूँ। मैं मेरे को खुद को अगर पसंद आता है प्रोडक्ट वही मैं आपको बेस्ट से बेस्ट बताऊँगी। और जब से मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिशेल की नाइट क्रीम, मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यानी 10 दिन में मेरी स्किन की क्वालिटी रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। यानी सुबह उठो तो एकदम इतना फ्रेश फ्रेश फेस दिखता है। आपने भी देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, फर्स्ट ब्लॉग से लगाकर अभी लास्ट ब्लॉग तक आप देखना, अलग ही टाइप का एकदम स्किन पे ग्लो दिखेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं इसको लगाने वाली हूँ और एक फेस क्रीम लगाती हूँ रात को, और रात को लगाती हूँ एक लिप केयर, दोनों लगा के फिर सो जाती हूँ। क्रीम की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है, पैकेजिंग तो क्या मस्त है, और ये मेरे पास में ही रहती है रात को मैं सोती हूँ ना। क्वांटिटी इसकी सिर्फ हमको इतनी लेनी है, इतनी यानी मिशेल के सभी प्रोडक्ट में हमको इतनी ही क्वांटिटी लेनी पड़ती है, बहुत कम, ज़रूरत है उतना, अगर ज़रूरत और ज़्यादा है तो और ले लो, पर वेस्ट मत करो प्रोडक्ट को। इसको पैक करके वापस से पास में ही रख दूँ क्योंकि रात को ज़रूरत पड़ती है इसलिए। ये है मेरा नाइट रूटीन जो बिल्कुल छोटा सा है और वो मैंने आपसे शेयर किया है। और अब मैं जैसे ही रूम में आई वैसे मुझे चिकू ने बोला कि आज मेरे बालों में ऑयल से मसाज कर दो, पर वो सिर्फ एक शर्त पे हाँ हुआ है कि कल मेरे बालों में भी चंपी होगी तो ही मैं करूँगी, अगर नहीं की तो करूँगा। पक्का? पक्का। नहीं करी तो पनिशमेंट भी बता दो। नहीं पनिशमेंट तो मैं नहीं दूंगी, पर कर देना ठीक है कल। चलो आज इनके बालों में करते तेल मालिश। बाल कब वॉश किए थे? कल कर रहे थे। और ऑयल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ का टी ट्री हेयर ऑयल। आई होप इससे इनकी डैंड्रफ बिल्कुल रिमूव हो जाए, ये भी कुछ टाइम से यूज़ कर रहे हैं इसलिए। मसाज लेके कैसा लग रहा है पतिदेव? सुकून।
चंपी हो चुकी है और अब होता है सोने का टाइम। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। और हाँ, नाइट क्रीम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको परचेस करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।